दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत सरकार के नए नियम के अनुसार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना कंपलसरी कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसकी अंतिम तिथि जो रखी गई है वो है 30 सितंबर 2019। अगर आप अपने पैन कार्ड को 30 सितंबर 2019 तक अपने आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है बिल्कुल अमान्य करार कर दिया जाएगा, यानी आप उस पैन कार्ड का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बिल्कुल आपके लिए यूजलेस हो सकता है। तो इसलिए आपको ये 2-4 मिनट की वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर की मदद से 2 मिनट के अंदर अंदर जो आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में। वीडियो पसंद आता है वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम वहाँ पर जानते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और टेक्निकल मनीष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। अगर आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन का ब्राउजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ई फिलिंग, ठीक है, और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। सबसे टॉप पर ही आपको लिंक मिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। बस 2 मिनट का काम है, उसके बाद ये एक पॉपअप आ रहा है, ये पॉपअप को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। और लेफ्ट साइड में देखिए एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे लिंक आधार, इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले वाले बॉक्स में हम यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आधार नेम एंटर करेंगे, जो भी नेम हमारा आधार कार्ड पे वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके आधार कार्ड पर पूरा जन्म तारीख, अगर मान लेते हैं अगर आपका जन्म तारीख है 31/12/1990, तो अगर आपका आधार कार्ड पे जो है सिर्फ और सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ 1990 लिखा है, तो आपको इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है। अगर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है आधार कार्ड पर, तो आपको इसको अनटिक ही रहने देना, आपको इसे टिक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ इस बॉक्स को टिक कर देना है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विथ UIDAI। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करना है, उसके बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल करते हैं और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स जो है केयरफुली फिल कर दिया। यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर एंटर किया है, आधार कार्ड नंबर, नेम ऑन आधार, यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को टिक किया हुआ है, क्योंकि मेरे आधार कार्ड पर जो है पूरा कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, यानी सिर्फ मेरा जो है जन्म वर्ष ही मेरा एंटर है, इसलिए मैंने इस बॉक्स को टिक किया है। उसके बाद आई एग्री द वैलिडेट में आधार पे टिक किया है, उसके बाद नीचे कैप्चा एंटर किया है, और उसके बाद यहाँ लिंक आधार बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारे सामने एक एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू द गिवेन आधार नंबर, यानी यहाँ पे जो मैं अपना आधार नंबर एंटर कर रहा हूँ और पैन कार्ड डिटेल एंटर कर रहा हूँ, ये जो है ऑलरेडी मेरा लिंक्ड है पहले से, यानी ये प्रोसेस जो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था, मैंने बहुत पहले ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया था जब इसका अनाउंस हुआ था। लेकिन अब जो है लास्ट डेट इसकी आ चुकी है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये छोटा सा 2 मिनट का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि हम कैसे चेक करें कि हमारा पैन कार्ड जो आधार कार्ड के साथ में लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको इसी पेज पर आ जाना है, और आपको यहाँ पर ही टॉप पर एक आपको लिंक दे दिया जाता है जहाँ पर कि लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट, यानी अगर आपने पहले से कोई रिक्वेस्ट डाल रखी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आपको यहाँ पे स्टेटस पता चल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हमें पैन नंबर एंटर करना है और साथ ही साथ यहाँ पे हमें आधार नंबर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं और उसके बाद यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे हमारे सामने मैसेज आ चुका है कि लिंक आधार, योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर, यानी हमारा पैन कार्ड जो है आधार कार्ड के साथ में बिल्कुल सक्सेसफुली जो है लिंक्ड हो चुका है, यानी मुझे दोबारा सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी यहां से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी भी तरह का सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।